मीटू का जो दौर चल पड़ा है, सभी कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, नाना पाटेकर के बाद आलोक नाथ और भी कई आर्टिस्टों के नाम उछल रहे हैं, क्या आपकी ओपिनियन क्या है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो ये मीटू कैंपेन है ये हॉलीवुड से आया है, अमेरिका से आया है और वहाँ पे बहुत ही कामयाब कैंपेन रहा है। इंडिया की बात की जाए, सबसे पहले तनुश्री दत्ता इस मुद्दे को सामने लेकर आई। कौन सही है कौन गलत है ये तो कानून ही डिसाइड करेगा। दोनों अलग अलग पहलुओं में तनुश्री कह रही हैं कि मेरे साथ ये हुआ, नाना जी बिल्कुल उसको डिनाई कर रहे हैं कि 10 साल पहले भी मैंने वही कहा था, आज भी मैं वही कह रहा हूँ कि वो गलत है। तो कौन सही है कौन गलत उसका फैसला हम सब नहीं कर सकते, लेकिन उसका फैसला कानून करेगा और जो भी गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर तनुश्री झूठ बोल रही है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए फॉर हरासिंग एंड यू नो फॉर ब्लेमिंग सच लेजेंडरी एक्टर्स, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए फॉर हरासिंग अ वुमन। हैविंग सेड दैट, आई थिंक ये जो कैंपेन है वो बहुत अच्छा है, जो महिलाएं सामने आ रही हैं अगर वाकई में वो सच्ची हैं तो उनको ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आप किसी पर भी आप उंगली उठा दें कल को किसी को डिफेम करें तो इट इज़ ऑल्सो हरासमेंट फॉर द गाय। जो आदमी ने इतनी इज्जत करके, अगर आप आर्टिस्ट की बात करें आलोकनाथ जी हैं या रजत कपूर जी हैं, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाए गए हैं। हर आर्टिस्ट इज्जत के लिए काम करता है, हम यहाँ फिल्म बना रहे हैं, हम यहाँ पे सब मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, हमारा नाम हो, हमें इज्जत से देखा जाए। तो कोई भी मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरा नाम नीचे आए, मैं नाम ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तो लड़कियों को भी अगर कोई एलिगेशन लगा रही है दे शुड बी एबल टू प्रूव। कहीं कहीं देखा जाए तो पब्लिसिटी से भी जुड़ा हुआ है मामले को माना जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? सर, पब्लिसिटी की तो फिर ऐसे ही है, कल को मैं आप पे आरोप लगाऊँ, मेरे पे आओ, बॉल इधर उधर खेलते हैं, बस मीडिया इधर भी आएगी उधर भी आएगी, पब्लिसिटी लो। आई थिंक देर शुड बी अ रूल ऑल्सो, कोई कानून भी होना चाहिए इस चीज़ के अंदर कि आप अगर प्रूफ ना कर पाएँ तो आपके ऊपर भी केस होना चाहिए।